भी बोर्ड लगाए हैं, माल्टे लेमन लेमन ये सब कुछ हो गए, सारे लगाए हैं। सर कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? कौन क्लास में पढ़ते हो? आड़ा हो गया, अच्छा। अनार हो गया और अंगूर वगैरह भी। जी जी अंगूर वगैरह भी, और जिसको हम पंजाबी में कहते हैं मौसमी। अच्छा मौसमी भी लगी हुई है। सही हो गया। 6,000 का लिए। अच्छा ये कौन सा मुर्गा है? ये असील सिंधी है। असील सिंधी है। हेलो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तो क्या हाल चाल है? मुझे उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो अभी जाना है ऊपर वलीद भाई के घर, और उधर से बाइक निकालना है, और नए घर वाली आपको अपडेट देनी है, तो अभी चलता हूँ ऊपर। ये नाज़रीन भाई वलीद का घर, और ये मेरे कज़न की बस खड़ी हुई है, और इसके साथ भी हमारी बड़ी यादें हैं। बाकी अभी निकालते हैं बाइक अपना। बाइक के पास तो नाज़रीन में आ गया हूँ, मगर इसकी की घर भूल आए हूँ, तो अभी पैदल ही चलते हैं आगे। अच्छा नाज़रीन, तो अभी नई घर वाली जगह पर पहुँच गए हैं। ये है रेत वगैरह आपको जैसे दिखाई थी मैंने पहले, अभी तो बिल्कुल आधी रह गई है, और क्रश बहुत ही कम इस्तेमाल हुई है, बाकी ईंटें भी आधी रह गई हैं। और हमारा जो प्लाट था पहले बुनियादें शुरू हुई थी, और अभी बुनियादें कंप्लीट होने वाली हैं, बल्कि कंप्लीट हो गई हैं, और DPC तक काम हो गया है। आपको दिखाता हूँ, ये माशाल्लाह सदमान भाई ने बहुत ही अच्छा काम किया है, और राशिद भाई ने बहुत सफाई के साथ काम हुआ हुआ है। बाकी अभी DPC तक हो गया है, और पानी वगैरह भी हम लगाते हैं इनको, 2-3 दिन हो गए हैं। बाकी इधर बैठने के लिए चारपाई रखी हुई है। नाज़रीन हम ये पानी वगैरह लगाते हैं, यासर भाई का घर है ये, यहाँ से हम नाज़रीन एंट्रेंस घर की, और ये साथ में ड्राइंग रूम है, इसके साथ लेफ्ट साइड पे एक रूम है, और इस रूम को मैं इंशाल्लाह स्टूडियो बनाऊंगा, और इसके साथ जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था अटैच बाथ वगैरह है। इसके अलावा ये किचन है, नाज़रीन TV लॉन्च है, वो बेडरूम है, और ये एक बेडरूम है, दोनों के साथ अटैच बाथ हैं, और ये सारा एरिया है। ये सखावत भाई का घर है और यासर अंकल का। बाकी ये ज़मीन वगैरह अपनी है, इधर पौधे वगैरह लगाने हैं, इंशाल्लाह अभी तो स्टार्ट है काम वगैरह। बाकी 20,000 के इर्द गिर्द ईंटें वगैरह सारी इस्तेमाल हो गई हैं, बाकी आप जैसा आप देख रहे हैं बहुत कम ईंटें वगैरह रह गई हैं। अभी चलते हैं काशी भाई के पास और उनसे कुछ बातें करते हैं। नाज़रीन तो ये हमारा मसाया और मेरा दोस्त काशी, हमने बहुत अरसा पबजी एक साथ खेली है, और मैंने पबजी तो छोड़ दिया, अभी काशी भाई खेलते हैं पबजी। सुनाए काशी भाई क्या हाल चाल है? सुनाए आपको किस बारे में शौक है? अभी पबजी खेलते नहीं खेलते? मुझे ज़्यादा पबजी के बारे में शौक है। अभी भी खेलते नहीं खेलते? आप जरूर खेलते हैं, 6-7 घंटे पबजी, और बहुत खेलते हैं काशी भाई पबजी। बाकी मैंने छोड़ दिया पबजी, मैं व्लॉगिंग वगैरह करता हूँ। इसके अलावा सुनाए हमने इधर पौधे लगाने हैं, पौधों के बारे में बताएं, आपने घर कौन कौन से पौधे लगाए हैं? हमने लगाए हुए अमरूद के, लेमन के हो गए, और भी बहुत लगाए हैं, माल्टे लेमन शेमन ये सब कुछ हो गए, सारे लगाए हुए हमने। आप क्या मशवरा देते हैं हमें भाई, हमको कौन कौन से लगाने चाहिए पौधे? यहाँ पे तो ज़्यादातर जामुन के हो गए, ठीक है, अमरूद भी सही है, आम हरे में हो गए, ये सब ऐसे पौधे लगाए ना जो यहाँ पे सही चलते हैं। सही हो गया, इंशाल्लाह आपके मशवरे पे ज़रूर अमल करेंगे। ये जी हमारा नया हमसाया आशिर, अस्सलाम वालेकुम आशिर, क्या हाल चाल है? ठीक हो? आपने खरगोश रखे हुए नहीं रखे हुए? रखे हुए हैं। ये हैं जी नाज़रीन आशिर के खरगोश वगैरह, और ये यासर अंकल का बेटा है। सर कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? कौन क्लास में पढ़ते हो? ये नाज़रीन आशिर का खरगोश, और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। आशिर कितनी उम्र है इसकी? नहीं पता आपको? अच्छा माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत खरगोश है। अच्छा नाज़रीन बाकी आपको मैं बोरिंग दिखाता हूँ,
जहाँ पे हमारा पानी का बोर हुआ हुआ है, ये साइड पे हुआ हुआ है बोर सारा हमारा हवेली के इंशाल्लाह अंदर ही आएगा। और आप अंदर से मैं दिखाता हूँ, ये कासम अंकल ने बोर की है नाजरीन, बोर हमारा पानी वाला, और ये बनाया था राशिद भाई ने। अस्सलाम वालेकुम सावद। वालेकुम सावद, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक खैरियत। तो नाजरीन ये मेरे हमसाए और मेरे बहुत ही दोस्त सावद भाई। सावद भाई क्या हाल चाल है? ठीक है, आज कल क्या करते हैं आप? क्या करते हैं आजकल आप? आजकल स्टडी कर रहे हैं। स्टडी कर रहे हैं, सुने सुने आप बहुत पबजी वगैरह खेलते हैं। कितना अर्सा हो गया आपको पबजी को? 2 साल होने लगे हैं तकरीबन। पबजी में कितने काउंटर लगाए हैं आपने? काउंटर कुछ नहीं, बस ये आज लड़के का लगा के देता हूँ काउंटर। एस वगैरह? एस नहीं, काउंटर हर सीजन में लगाते हैं। हर सीजन में सबसे पहले अपना लगाते हैं फिर लड़कों को लगा के देते हैं। सही हो गया, ठीक हो गया। और सुनाए आपने घर में कौन कौन से पौधे वगैरह लगाए हैं? पौधे वगैरह बहुत सारे लगे हैं, खाने के भी बहुत सारे लगे हुए हैं। मिसाल के तौर पे ये हो गया आलू खाड़ा हो गया, अच्छा अनार हो गया, और अंगूर वगैरह भी। जी जी अंगूर वगैरह भी, और जिसको हम पंजाबी में कहते हैं मौसमी। अच्छा मौसमी भी लगी हुई है। सही हो गया। ये नाजरीन हमने कैंप वगैरह लगाया हुआ है, इसको वलीद भाई अक्सर माइक की चुग्गी भी कहते हैं, बड़ा फनी सा नाम डाला उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुनाई जी क्या हाल चाल है? हमाद क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा ये आपने मुर्गा उठाया हुआ है जी। ये कहाँ से लिया आपने? ये मैंने गुजरखान से लिया है अपने दोस्त से। दो से लिया? 6,000 का लिया। अच्छा ये कौन सा मुर्गा है? ये असील सिंधी है। असील सिंधी है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 9th में हूँ अभी। 9th में आप? पक्की बात है? 5-6 महीने तक पेपर देने हैं। अच्छा 5-6 महीने तक। आप इसकी निशानी वगैरह बताएं अभी। इसकी ये ऐसे होता है, यहाँ पे ऐसे दुम के नीचे रखे हाथ खराश करते हैं। अच्छा माद आपने मुर्गों की वगैरह की लड़ाई वगैरह भी करवाई है आपने कभी? नहीं, सिर्फ शो के लिए रखे हैं। शो के लिए आपने रखा हुआ है? सही है ठीक है, चलें अल्लाह पाक जात आपको भी कामयाब करे। नाजरीन आज का व्लॉग इधर ही करते हैं एंड, और इंशाल्लाह अगले व्लॉग मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमानिल्लाह।